वेलकम बैक टू माई चैनल न्यूबी वेगेंट पारुल। चलिए आज हम बनाते हैं स्मोक फाउंटेन, वो भी सिर्फ घर की चीज़ों से। नहीं, आज सिर्फ घर की चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज की है रिसेंटली परचेज की हुई क्ले, जो कि फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले है। तो हमने एक ले लिया है ढक्कन, और नॉर्मली थोड़ा सा पाउडर लगेगा, क्योंकि ये क्ले में जब हम काम करते हैं ना तो हमारे हाथ में ये बहुत चिपकती है, ठीक है। और इस क्ले में एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि बराबर बराबर पोर्शन पे आपको ले करके इसको मिक्स करना होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप पूरी की पूरी एक साथ ना मिक्स करें, क्योंकि अगर आपको देर लग रही है अपना काम करने में तो वो क्ले जो रखी होती है ना बाकी की रेस्ट वाली, वो ना सूखनी स्टार्ट हो जाती है, और सडनली आप फिर सोचते हो कि यार इससे तो काम नहीं हो पाया, और फिर आप उसको ना रख भी नहीं सकते। अगर आपने एक बार इन दोनों को मिक्स कर दिया तो दोबारा आप ये नहीं है कि उसको रख करके दोबारा फिर से यूज कर लोगे, अलग अलग रहेगी, नहीं सूखेगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे पोर्शंस को मिक्स किया, यूज किया, फिर मिक्स किया, फिर यूज किया, ये ध्यान देने वाली बात है। क्ले नहीं है, कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिए, होममेड क्ले बनाने का लिंक दिया हुआ है, तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख करके भी अपने घर पे नॉर्मली भी क्ले बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना छोटा सा पूल बनाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले अपनी मछलियाँ, सुंदर सुंदर सी। मैं यहाँ पे दो मछलियाँ बनाने वाली हूँ, और ये कैसे बन रही हैं ये स्टेप टू स्टेप मैंने दिखाया है। इन्जॉय करिए ये क्रिएटिव ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सूखने के बाद में अगर उस पोर्शन को आपको अटैच करना है, जैसे मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो वहाँ पे आप ग्लू का ही यूज करें, क्ले का यूज ना करें, क्योंकि उसका पॉट बहुत ही वीक था। इस क्ले को मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, इसके पहले मैंने जितने भी क्ले वर्क किए हैं वो सारे के सारी होममेड क्ले होती थी। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस है जो लेनी जरूरी है, अदरवाइज आपका क्ले खराब हो सकता है, आप जो भी वो वर्क कर रहे हैं वो खराब हो सकता है। इसको ये तुरंत मुड़ती नहीं है, इसके लिए आपको कोई, देखिए मैंने यहाँ पे चम्मच का सहारा लिया है क्योंकि ये गिर रही थी, और कुछ चीज़ों का ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेकर के उन चीज़ों को मैंने स्टैंड किया है।
यहाँ पे ये क्लेना गिर जा रही थी अपने आप, तो इसको मोल्ड करने के लिए मैंने कहीं चम्मच का यूज, कहीं ये छोटी सी डिब्बी का ढक्कन का यूज, ऐसी ही कुछ चीजों का यूज करके मैंने इनको बनाया है। तो ये आर्टवर्क करते वक्त ही आपको समझ में आता है कि आपको उसको कैसा शेप देना है, कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से आप चीजें अपने आसपास की यूज कर सकते हैं। इस ढक्कन की इजेस कुछ ज्यादा ही शार्प लग रही थी, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा मोल्ड शेप देने के लिए इस पे किनारे किनारे क्ले लगा दी। सेम पहले वाले की ही तरह हमने एक छोटी सी मछली भी बनाकर के किनारे लगा दी थी और ये फ्लावर चिपका दिया जस्ट उसके टॉप में, और यहीं पे हमारी धूप बत्ती रखी जाएगी। मेक श्योर कि ऊपर से धूप बत्ती जब रखी जाएगी उसका स्मोक कैसे उतरना है वो पूरी की पूरी जगह पे होल होना चाहिए। हमारा स्मोक फाउंटेन पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब आती है इसको देखने की बारी कि ये कैसे वर्क करेगा। बैक फ्लो इंसेंस वाली धूप बत्ती मेरे पास थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे भी यूज किया कुछ जुगाड़। ये धूप बत्ती नॉर्मली सबके घरों में यूज होती है, इसको सेप देना होता है। तो सेप देने वक्त आपको बस ये ध्यान देना है कि इसके बीच में एक होल रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश के पीछे का हिस्सा यूज किया है और उसको घुसाते हुए ऐसे नॉर्मल मैंने अपनी धूप बत्ती को बना लिया है। धूप बत्ती बनाने के बाद में होल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इजी है कि आप कुछ इस तरीके से इसको बना लें। बस हमने अपनी धूप बत्ती को जलाया और ये पीछे से स्मोक निकलना शुरू हो गया है, और हमने बस जहाँ पे वो स्टैंड बनाया था वहाँ पे अपनी धूप बत्ती को रखा और धीरे धीरे करके स्मोक नीचे उतरने लगा और ये हमारा स्मोक फाउंटेन बनके हो गया तैयार। अगर आपको ये डेकोरेशन पीस अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को कर दें दूसरों के साथ भी शेयर, लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज चैनल पे अपलोड होते रहेंगे।